नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनिल। मेरे चैनल जीवन ओ में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बच्चों के लिए बाहर से लाए हुए कोई चीज़ें सही होती है या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसके पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, जो 2 साल के अंदर के बच्चे भी होते हैं हमारे घर में या ज़्यादा उम्र के भी होते हैं, उनके लिए हमें ज़्यादा तकलीफ ना हो इसलिए उन्हें वो हगीज या कुछ अलग सा उन्हें पहना देते हैं। लेकिन वो कितनी देर तक सेफ रहता है जी? आप जब बाहर जा सकते हैं 4-5 घंटे के लिए तो वो ठीक होता है, लेकिन आप दिन भर बाहर जाते हैं और वो हगीज़ वगैरह छोटे बच्चों के लिए बांध देते हैं तो वो बिल्कुल ठीक नहीं रहता, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे उसमें टॉयलेट कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, तब उसमें बहुत सारा गीलापन होता है, बहुत सारी गंदगी होती है। उस गंदगी से हमारे छोटे बच्चों को उनके स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक तत्व उसमें होते हैं, बहुत ही हानिकारक होता है। हम बाहर जाते समय उन्हें जब हगीज़ कुछ और पहनाते हैं, टॉयलेट वगैरह करता है छोटा बच्चा, पेशाब कर रहा है, तो उसमें बहुत से हानिकारक पदार्थ उसके शरीर के त्वचा के लिए बहुत हानि पहुंचाते हैं। उसमें और कुछ ऐसे जंतु होते हैं कि वो बच्चों के शरीर में बाहर से तकलीफ पहुंचाते हैं। अगर वो हगीज़ ज़्यादा देर तक आपके बच्चों को आप बांधे रखेंगे तो उसका गीलापन उसके स्किन के लिए बहुत तकलीफ पहुंचाता है। हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारा बच्चा अब क्या करेगा, वो उस पर हम ध्यान नहीं देते, सिर्फ यही देखते हैं कि वो कुछ करेगा तो हमने ये हगीज़ बांध दिया है, हम उसकी चिंता नहीं करते। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता करने की बात यही है कि हम उसे हगीज़ पहनाते हैं, बहुत ही घातक होता है। आप 2-4 घंटे के लिए ठीक होता है, लेकिन ज़्यादा घंटे के लिए आप ये यूज़ करेंगे तो आपके बच्चों को ज़रूर तकलीफ़ होगी, और आगे चलकर ये जो गीलापन है उस हगीज़ के अंदर जो गीलापन होता है, वो गीलापन उसके शरीर को, उसकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। आप गीले कपड़े कभी उसे घड़ी पहना कर कपाट में रखते हैं क्या? अगर वो कपड़े आप रखेंगे कपाट में गीले कपड़े, तो उससे उसमें बुरसी लग जाएगी, उसमें बहुत सारा बास आ जाएगा। वही एग्जांपल आप आपके छोटे बच्चों को बांधे हुए हगीज़ के बारे में सोचो कि ये गीला हगीज़ अगर आपके बच्चों को आप बांधेंगे तो उसे कितनी तकलीफ़ हो जाएगी। अभी नहीं जानेंगे तो उसके बाद में, क्योंकि कोई भी तकलीफ़ उसी टाइम पर नहीं होती, उसके आगे जो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए होती है, उसके हड्डियों को, उसके शरीर के लिए कमज़ोरी आ सकती है, उसमें दर्द होने लगता है और बच्चा रोने लगता है। ये हमारे ध्यान में नहीं आता कि उसे क्या होता है। हम बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बहुत चिंता करने लगते हैं। उससे पहले, चिंता करने से पहले आप ये जाने कि उन्हें छोटे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आप अच्छी तरह से बातें समझ लीजिए। आप और कुछ भी बातें बताएंगे कि हमें 2 घंटे के लिए बांधा था, 4 घंटे के लिए बांधा था, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की चिंता करनी चाहिए। लेकिन किस कारण, तो उन्हें खाने पीने के में हम और क्या दे सकते हैं, इसके बारे में आप चिंता करो, उसके खाने पीने की चिंता करो। लेकिन हगीज़ और कुछ और होता है बहुत सारा, वो बांधेंगे तो उसे ज़रूर नुकसान हो जाएगा, उसके शरीर को ज़रूर हानि हो जाएगी, ये चिंता आप कीजिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपको किस बात की चिंता करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हम चलते हैं और अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आई
बेल बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।